नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल पटेल, डायरेक्टर ऑफ सप्तम एजुकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो 18 लाख बच्चे जो अपने वेट करके बैठे थर्ड में के एग्ज़ाम का, उसके ऊपर आए हुए ग्रहण के बारे में। यस दोस्तों, आप सही समझ रहे हैं, ये बात है कोरोना वायरस की। कुछ दिनों पहले जो JEE का जो एग्ज़ाम का रीशेड्यूल का नोटिफिकेशन आया था, उसको सोचते हुए कई स्टूडेंट लोग ऐसा सोच रहे हैं कि नीट का भी एग्ज़ाम शायद रीशेड्यूल होगा। कई टीचर लोग भी यही चीज़ मान रहे हैं, लेकिन ये मानना मेरे हिसाब से 95% सही नहीं है। मे बी 5% चांसेस है कि वो रिशेड्यूल हो सकता है। रीज़न एक है कि JEE का जो एग्ज़ाम था वो अप्रैल के अंदर था जो भी, लेकिन ये जो एग्ज़ाम है मई थर्ड को है, मीन्स अभी बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन बीच में पेंडिंग है, तो उसके चांसेस बहुत कम है। लेकिन जो हाल की परिस्थिति है उसको नज़रअंदाज ना करते हुए ये चीज़ सोच भी सकते हैं। फिलहाल की अगर परिस्थिति की बात करें तो ऑलमोस्ट बड़े सिटीज़ जो है इंडिया के अंदर सब लॉकडाउन किए गए हैं, तो वहाँ पे भी आवन जावन का बहुत अभाव है। कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट शुरू नहीं है, स्कूल है भी बंद है। अगर हम लोग बात करेंगे स्कूल और कोचिंग क्लास बंद होने की वजह से दिक्कत कहाँ पे आ रही है, क्योंकि अपने इंडिया का एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो स्टेट बोर्ड का सिलेबस रहता है वो अलग रहता है, और जो नीट का सिलेबस रहता है वो रहता है NCERT का सिलेबस रहता है। तो मेन रीज़न वहाँ पे बच्चों को जो एजुकेशन मिलने का जो टाइम है नीट के एग्ज़ाम के लिए, जो कि मेन गिनी जाती है मेडिकल के अंदर एडमिशन लेने के लिए, तो नीट के लिए जो प्रिपरेशन का टाइम बच्चों को मिलता है वो मार्च महीने के बाद अप्रैल और मई महीने तक, मीन्स 2 महीने का टाइम होता है। अब ये 2 महीने के अंदर सपोज ये लॉकडाउन कंडीशन अभी 31 मार्च तक डिक्लेयर की गई है, अगर वो एक्सटेंड की जाती है और 15 दिन के लिए, तो वो अप्रैल 15 तक भी जाने की चांसेस है। दैट मीन्स बच्चों को जो फिजिकल कोचिंग मिलना चाहिए कोचिंग इंस्टीट्यूट स्कूल के अंदर, वो ड्यूरेशन बहुत कम मिलेगा। थर्ड मई मीन्स करीबन 18 दिन का ही टाइम मिलेगा। 18 दिन के अंदर उनको हर एक सब्जेक्ट को प्रॉपरली वर्कआउट करके रखना है, जो कि हार्डली पॉसिबल नहीं है। तो अभी एक ही एडवाइस दी जाती है बच्चों को कि जितना होता है उतना ऑनलाइन मीडियम का यूटिलाइज करें। और ये परिस्थिति के दौरान अगर मैं बात करूंगा तो इंडिया के अंदर डेटा शेयरिंग बहुत इजी टास्क हो जाता है कंसल्टेंट लोग के लिए। तो अभी पेरेंट्स जब घर पे बैठे हुए उस टाइम पे उनके ऊपर काफ़ी सारे फर्जी कॉल आने शुरू हो चुके होंगे। कुछ लोग इंडिया के अंदर एडमिशन देने के लिए आपको राय दे रहे होंगे, कुछ लोग आपको नीट के अंदर सेटिंग करने के लिए राय दे रहे होंगे, कुछ लोग आपको अब्रॉड की कंट्रीज आपको सिलेक्ट करने के लिए बोल रहे होंगे कि सीटें बहुत कम है, चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, आप अभी से बुक करवा लीजिए। जो कि अगर हम लोग पूरे वर्ल्ड की कंडीशन अगर देखने जाएंगे तो वो कतई सही नहीं है कि अभी से आप कोई भी डिसीजन ले। कुछ लोग आपको ऐसा भी बोल सकते हैं कि आप अभी सिर्फ डॉक्यूमेंट दे दीजिए, पासपोर्ट दे दीजिए या मार्कशीट दे दीजिए, फीस आप तब देना जब आपका रिजल्ट आ जाता है। कभी भी किसी को भी अभी डॉक्यूमेंट आप हैंड ओवर मत कीजिएगा, यहाँ पे आपको फंसाने का चांस भी हो सकता है, जहाँ तक आप उसके ऊपर ट्रस्ट ना करें और उसके बारे में प्रॉपर जांच पड़ताल ना करें। अगर हम लोग पूरे विश्व की बात करते हैं तो सबको मालूम है हमको कि ऑलमोस्ट हर एक कंट्री के अंदर अभी शटडाउन डिक्लेयर किया गया है। कोई भी कंट्री दूसरी कंट्री के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर रही है डायरेक्टली फ्रॉम द फ्लाइट, तो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अभी टोटली बंद कर दी गई है। अगर हम लोग संस्था की बात करें तो एजुकेशन इंस्टीट्यूट और हर एक कंट्री में ऑलमोस्ट बंद डिक्लेयर की गई है। उसके अलावा जनरल फैसिलिटीज सिर्फ अवेलेबल है वहाँ पे। तो ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए अभी कोई भी जगह पे एडमिशन लेना मुश्किल, मीन्स मुमकिन ही नहीं है। कई पेरेंट्स और बच्चे अभी बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं ये वायरस के बारे में सुन के, हर रोज़ का नया नया न्यूज़ आता रहता है। लेकिन अगर हम लोग फर्टिलिटी रेट की बात करेंगे तो मैक्सिमम जो फर्टिलिटी है वो 60 ईयर्स के ऊपर वाली एज में देखने को आ रही है आजकल। तो इससे कम एज वालों को इतनी ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है। सिम्टम्स कौन कौन से देखने को आपको मिलेंगे, फीवर है, ड्राई कफ है, वो सब जो सिम्टम्स है वो यहाँ पे हमने मेंशन किए हुए हैं। और इससे पहले भी हमने एक वीडियो पे बोला हुआ था ये चीज़ कि वायरस जितना जल्दी फैलता है उसका उतना मोर्टेलिटी जो होता है उतना कम होता है। अगर आप कंपेरिजन करेंगे इससे पहले आए हुए सब वायरस के साथ इसका, तो इबोला, मर्स और जो अदर जो सार्स थे उसकी कंपेरिजन में कोरोना का जो मोर्टेलिटी है बहुत कम है। लेकिन उसको निगलेक्ट नहीं किया जा सकता कि उसको हम लोग अवॉइड करते चले और अपने जैसे काम करने वैसे करते जाए, वो चीज़ गलत हो जाएगी। अपने को प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है,
ज़्यादा से ज़्यादा जितना होता है कम्युनिटी डिस्टेंस बना के रखना ज़रूरी है। आज के लिए बस इतना ही, और मेनली जो एडवाइस हमको देनी है वो एक ही थी कि हम लोग जानते हैं कि ज़्यादातर नीट का जो कोचिंग होता है वो मेन मेट्रो शहर्स में ज़्यादा होता है, छोटे कस्बों में कम होता है। तो मेजोरिटी स्टूडेंट आपको अपने को मालूम होगा, जैसे कोटा है, शिकर है, दिल्ली है, जयपुर है, वहाँ पे जाके या दूसरी सब सिटी के अंदर जो बड़े शहर जैसे बैंगलोर है या चेन्नई है वहाँ पे जाके कोचिंग लेते हैं। तो पेरेंट्स को एडवाइज़ है कि अभी बच्चों को वहाँ पे ना भेजें, जितना होता है उतना ऑनलाइन कोचिंग से बेनिफिट लेने का ट्राई करें, और जिस टाइम पे टाइम मिल रहा है उस टाइम पे उतना वहाँ पे जाके फिजिकली कोचिंग लेने को ट्राई, जब सब चीज़ कम्प्लीटली स्टेबल हो जाती है। दूसरी बात ये आती है कि रिजल्ट से डरने की ज़रूरत नहीं है, ये इफेक्ट जो होने वाली है वो किसी एक स्टूडेंट पे नहीं हो रही है, ये टोटली 18 लाख स्टूडेंट के ऊपर इक्वली होने वाली है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि जो नीट का जो कट ऑफ स्कोर था वो डाउन जाएगा, जो हायर स्कोर जो लास्ट ईयर का था फॉर एग्जाम्पल वो 570 था, तो इस साल वो डाउन होकर 550 जाएगा या 530 जाएगा, और जो कट ऑफ 134 था वो मे बी शायद वो डाउन होकर 110 तक भी जा सकता है। तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं, वो इफेक्ट कहीं पे होने वाली है नहीं। हाँ, इफेक्ट वहाँ पे होगी जो बच्चों ने लास्ट ईयर ड्रॉप आउट किया हो, इस साल फिर से एग्जाम में बैठ रहे हैं, उनको दिक्कत आने के चांसेस हो सकते हैं। तो उनको ज़्यादा प्रिपरेशन अच्छी तरह करने की ज़रूरत है, क्योंकि उनके लिए ये दूसरा साल है, उसके बाद उनको फिर से मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा अगर फिर से नीट में बैठना है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखते हुए कोरोना वो अपनी जगह सही है, आप घर के अंदर आपको एक फ्रीडम मिल रहा है कि आप एक रूम में बैठ के पढ़ पाओ, आपको कोई डिस्टरबेंस नहीं है। अगर देखने जाएंगे तो जो वॉइस पॉल्यूशन था वो अभी टोटली 0% दिख रहा है अभी भी। मैं ये अभी आज की डेट में मैं अगर बात करूँ, ऑफिस पे नहीं जा रहे हम लोग, घर पे बैठ के वीडियो बना रहे हैं, तो यहाँ पे वॉइस पॉल्यूशन टोटली 0 दिख रहा है। मीन्स जो भी है डिस्टर्बेंस लेवल है ऑलमोस्ट 0 हो चुका है। दूसरी सब अफवाहों में ना जाते हुए आपकी पढ़ाई के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन कीजिए, और मेनली जो NCERT की बुक है उसके अंदर से ही नीट का एग्जाम पेपर आता है, दूसरे कोई के अंदर चक्कर में गिरने की ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। और आपको अगली ये एग्ज़ाम के लिए सब्जेक्ट वाइज क्या क्या प्रिपरेशन करना रहेगा, क्या क्या ध्यान रखना रहेगा, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेके आने जा रहे हैं। तो ये हमारे चैनल से सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए कि आपको वो अलग अलग वीडियोज़ का इन्फॉर्मेशन मिलता पाए। दूसरे हम लोग अलग अलग डिफरेंट टाइप के वीडियो लेके आने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग बताएंगे कि कौन सी कंट्री आपके लिए यहाँ पर रिलायबल ऑप्शन रहेगा अगर आपको इंडिया में एडमिशन नहीं मिलता है। तो जो लोग दूसरे लोग छुपाते हैं आपको, हम लोग वो चीज़ आपको सामने उजागर करके देने का काम कर रहे हैं, यही हमारा काम है। एडमिशन इज़ अ सेकेंड पार्ट। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। आपकी तबीयत को संभाल के रखें, 3 अप्रैल का टोटली प्रिपरेशन चालू रखिए आपका। डेट चेंज होगा या जो भी होगा तो उसका नोटिफिकेशन आने के बाद हम लोग यहाँ पर भी उसका एक वीडियो डिक्लेयर करके रख देंगे, तो इन्फॉर्मेशन आपको रोज़ बरोज़ हम लोग देते रहेंगे। धन्यवाद।